हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरपाली रिक्शा में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज देखिए हम एजुम चार्जर के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है, देखिए कमेंट आया था, सर आप बताइए 30% बिलिंग करता है तो उसका सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो आज हम आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चार्जर 12 एम्पीयर का है और देखिए ये कहीं रिपेयर करा हुआ नहीं है, ये पहली बार का एक हम खोले हैं, ठीक है। तो इसका आज देखिए 30% का ब्लिंकिंग आज हम आपको सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसके लिए लाइन देते हैं, ठीक है, इसको लाइन दे दिया। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको एसी को देता हूँ, ठीक है, लाइन दे दिया, ये लाइन आ गया। अब मैं डीसी एमसी उठा दिया, ठीक है, तो ये हल्का सा कट कर रहा है ना। तो देखिए कुछ समय में ये 30% बिलिंग करने लगेगा, देखिए। देखिए है ना, तो ये फॉल्ट हम कैसे पकड़ेंगे आज, तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच करें और इसे देखें, खूब समझ आएगा फ्रेंड्स। तो हम देखिए इसमें लैंड को कट कर दिया और कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये देखिए डिस्चार्ज हो गया, इसको पहले पेस्ट लगा लेंगे पूरी पीसीबी पे, इस तरह से पेस्ट पहले से मैंने लगा रखा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इस तरह से पेस्ट लगा लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप मारेंगे, ये डाइस होल्डिंग, इसको पूरी पीसीबी को मारेंगे, ठीक है, तब इसको हम देखते हैं लाइन लेके। अब फ्रेंड्स देखिए, पूरा वीडियो को आप देखिए, बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में है ना, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आगे से कभी ऐसा फॉल फंसता है तो उसके लिए आप वीडियो देखिए, है ना, समझ आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको डाई सोल्डिंग मार देते हैं ना, तो देखिए इसका जितना कंपोनेंट है उसको हम सारे कंपोनेंट को अच्छे से डाई सोल्डिंग मार रहे हैं, है ना, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। इसको पूरे को मारेंगे, बोल रहा तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से पूरे को देखिए सोल्ड मार लिया है ना, तो अब इसको अभी देखते हैं कि ये ऑन हुआ या नहीं हुआ, इंडिकेटर जो है टीटी नहीं चल रहा। तो इसमें देखिए मॉस्फेट भी ठीक है और डायोड भी ठीक है और 10 बोल्ट 12 बोल्ट भी बनना है, देखिए मैं आपको चेक करा देता हूँ, देखिए देखिए 10 बोल्ट बनना है, 12 बनना है, ठीक है। तो इसमें यही सब देखिए, अब इसको यहाँ पे भी ये मार लेते हैं,
इसको ड्रैप कर लेते हैं बहुत अच्छे से। है ना, तो फ्रेंड्स देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से देखिए सोल्ड मार लिया है ना। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसको साफ़ कर लेते हैं इसको पेट्रोल से बहुत अच्छे से। ये देखिए ऐसे मार लेंगे। तो इसको देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से मैंने देखिए साफ़ कर लिया है ना। अब इसको मैं देखिए लाइन देके देखता हूँ ये ऑन हुआ या नहीं हुआ है ना। तो देखिए इसको लाइन दे दिया ठीक है, इसको MCB उठा दिया। देखिए ये फ्रेंड्स ऑन हो गया। अब इसको देखिए ये फ्रेंड्स ओके हो गया ठीक है। तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है 30% बिलिंग का, तो आप सबसे पहले 10 वोल्ट 12 वोल्ट चेक करेंगे ठीक है, और मॉसफेट को चेक करेंगे है ना, और डायोड को चेक करेंगे। ये सब ओके होने के बावजूद भी हमारा नहीं चल रहा है, तो इसके बाद हम ड्राई सोल्डिंग करेंगे ठीक है। तो ये सब आप देखिए, ये लाइव वीडियो है फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये नहीं ऑन हो रहा था, अब देखिए इसको ऑन करके दिखाया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फ्रेंड्स जो भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ है ना। तो मेरा मोबाइल नंबर आप ले लीजिए 8392915396। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बहुत है।